वेलकम टू न्यूक्लियस टोमो चैनल। आज हम एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं जो है कॉकरोच। कॉकरोच एक ऐसा प्राणी है जो संसार के सभी देशों में पाया जाता है। इसकी विभिन्न प्रजातियां, अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग रंगों में पाई जाती हैं। ये कई कलर्स में, लाल, भूरा, काला, हरा, पीला आदि कई कलर्स के अंदर पाया जाता है। और भारत में इसकी केवल 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ब्लाटा ओरिएंटलिस, ब्लाटेला जर्मेनिका। यहाँ हम केवल पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के बारे में ही स्टडी करेंगे। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना चमकीले लाल भूरे रंग का प्राणी होता है जो कि पृष्ठ अधर सतह से चपटा, डार्क ब्राउन होता है, पृष्ठ अधर सतह से चपटा और सर्वाहारी प्राणी होता है। यह ऐसा प्राणी होता है जिसे हम सर्वोच्च सर्वाहारी प्राणी भी कह सकते हैं, क्योंकि सर्वाहारी प्राणी जो होते हैं वो सभी प्रकार की चीज़ों को खा सकते हैं, जैसे वनस्पतियाँ, प्राणी। लेकिन ये ऐसा प्राणी है जो कि चमड़ा, कपड़ा इत्यादि को भी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना नम क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे किचन, गोडाउन और रसोई के सिंक, जहाँ पर नमी और भोजन की उपलब्धता अधिक पाई जाती है वहाँ पर ये पाया जाता है। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन के बारे में अगर अपन बात करें तो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना या कॉकरोच जो होता है ये संघ ऑर्थोपोडा का वर्ग इंसेक्टा का सदस्य होता है, जिसका गण ऑर्थोप्टेरा, वंश पेरिप्लेनेटा और जाति अमेरिकाना है। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं। कॉकरोच का जो शरीर है ये चारों तरफ से काइटिन से निर्मित बाह्य कंकाल द्वारा घिरा हुआ होता है। और इसका जो बाह्य कंकाल होता है, काइटिन से निर्मित जो बाह्य कंकाल होता है, वो लगातार न होकर के छोटी छोटी प्लेटों के रूप में होता है। और इन छोटी छोटी प्लेटों को हम कहते हैं स्क्लेराइट्स। इन प्लेट्सों को क्या कहेंगे? स्क्लेराइट्स। और ये जो स्क्लेराइट्स होती हैं ये डॉर्सल सरफेस पे, वेंट्रल सरफेस पे और लेटरल सरफेस पे अलग अलग छोटी छोटी प्लेटों के रूप में पाई जाती हैं। तो जो प्लेट्स या जो स्क्लेराइट्स डॉर्सल सरफेस पे पाई जाती हैं उन्हें हम टर्गम कहते हैं। वेंट्रल सरफेस पे जो स्क्लेराइट्स पाई जाती हैं वे स्टर्नम कहलाती हैं। और जो लेटरल सरफेस पे जो स्क्लेराइट्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम लेटराइट्स कहते हैं। और ये जो लेटराइट्स होती हैं ये छोटे छोटे प्लेट्स के रूप में होती हैं। और ये जो प्लेट्स होती हैं ये आपस में एक झिल्ली के द्वारा जुड़ी हुई होती है और इस झिल्ली को हम कहते हैं आर्थोडियल मेम्ब्रेन। और ये जो आर्थोडियल मेम्ब्रेन होती है ये ऑर्थोपोडा सदस्यों की एक विशिष्टता होती है। कॉकरोच का शरीर 3 भागों में बटा हुआ होता है, सिर, वक्ष, उदर। सबसे अगर अपन बात करते हैं तो सिर भाग होता है, सिर भाग में भ्रूणीय अवस्था में 6 खंड पाए जाते हैं जो कि आपस में जुड़ करके एक खंड का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रकार वक्ष की अगर अपन बात करते हैं तो वक्ष 3 खंडों से मिलकर के बना हुआ होता है, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चिम वक्ष। तीसरा भाग होता है इसका उदर। उदर भाग जो होता है नर और मादा दोनों में ही जो है वो 10 खंडों का द्वारा निर्मित होता है। अगर हम बात करते हैं कि नर में 10 खंड पूरे दिखाई देते हैं लेकिन मादा में अधर सतह पर पाए जाने वाले स्क्लेराइट्स जो होते हैं वो 7वें नंबर का स्क्लेराइट्स आगे की और 8वें व 9वें स्क्लेराइट्स के साथ जुड़ करके जननी कक्ष का निर्माण करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिर की। कॉकरोच का जो सिर होता है वो संपूर्ण शरीर से 90 डिग्री के ऊपर झुका हुआ होता है। सिर का निर्माण 6 भ्रूणीय खंडों के द्वारा निर्मित होता है जो आपस में जुड़कर एक त्रिभुजाकार बड़े सिर का निर्माण करता है। सिर की अगर अपन बात करते हैं तो कॉकरोच का सिर 90 डिग्री पर झुका हुआ होने के कारण इसे हम हाइपोग्नेथस प्रकार का सिर कहते हैं। अब हम बात करते हैं सिर भाग की। कॉकरोच में जो त्रिभुजाकार सिर पाया जाता है इसके ऊपरी भाग पर
दो बड़े संयुक्त नेत्र तथा एक जोड़ी एंटीना या श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं। ये जो श्रृंगिकाएं होती हैं, इन श्रृंगिकाओं का कार्य होता है कॉकरोच को वातावरण की परिस्थितियों के बारे में ज्ञान कराना, और ये एक गंधग्राही के रूप में भी कार्य करते हैं। ये भोजन को ढूंढने में सहायक होते हैं तथा ये भोजन का रासायनिक विश्लेषण कर कॉकरोच को बताते हैं कि ये भोजन ग्रहण करने लायक है या नहीं है। अगर हम बात करते हैं इस एंटीना की, श्रृंगिका की, तो इसके ये तीन भाग होते हैं। पहला स्कैप, जो कि श्रृंगिका का आधारीय भाग होता है और काइटिन से निर्मित बाह्य कंकाल में धंसा रहता है। दूसरा भाग होता है पेडिकल या व्रंत, जो कि एक छोटा भाग होता है। तीसरा भाग है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम जो होता है एक बाल नुमा बड़ी संरचना होती है। दूसरा भाग है, बात करते हैं अपन किसकी, संयुक्त नेत्र की। तो सिर के ऊपरी भाग पर दो बड़े संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं और प्रत्येक संयुक्त नेत्र जो होता है एक छोटी इकाइयों के द्वारा निर्मित होते हैं, और ये जो छोटी इकाई होती है, इन छोटी इकाइयों को अपन कहते हैं ओमेटिडियम। ओमेटिडियम जो होती है वो इस संयुक्त नेत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। संयुक्त नेत्र द्वारा निर्मित दृष्टि को मोज़ेक दृष्टि तथा इससे द्वारा निर्मित इमेज को मोज़ेक इमेज कहा जाता है। कॉकरोच में एक जोड़ी सरल नेत्र के वेस्टिजियल या अवशेष रूप भी पाए जाते हैं, जिन्हें फेनेस्ट्रा कहते हैं। ये जो फेनेस्ट्रा होते हैं, ये फेनेस्ट्रा देखने में सहायक नहीं होते, लेकिन ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। सिर के निचले भाग पर मुखांग पाए जाते हैं, और ये जो मुखांग होते हैं, ये मुखांग काइटिन से निर्मित संरचनाएं होती हैं। अगर हम बात करते हैं तो कॉकरोच में निम्न प्रकार के माउथ पार्ट्स या मुखांग पाए जाते हैं। पहला लेब्रम। लेब्रम जो होता है ये ऊपरी होंठ की तरह कार्य करता है। सेकंड मैंडिबल। मैंडिबल्स, एक जोड़ी मैंडिबल पाए जाते हैं जो कि भोजन को तोड़ने या काटने में सहायक होते हैं। तीसरा भाग है मैक्सिला। मैक्सिला भी एक जोड़ी पाई जाती है जो कि मैंडिबल के पार्श्व सतह पर स्थित होते हैं। लेबियम। लेबियम माउथ का नीचे का भाग होता है जो कि लोअर लिप या निचले होंठ के समान कार्य करता है। इन सभी के मध्य में एक नॉन काइटेनियस, मतलब जो कि काइटिन से निर्मित नहीं होती है, माउथ पार्ट्स का या मुखांगों का केवल ही एक ऐसा भाग होता है जो कि काइटिन के द्वारा निर्मित नहीं होता है। ये हाइपोफैरिंक्स कहलाता है भाग, जो कि एक जीभ के समान कार्य करता है। हाँ बेटा, अब हम बात करते हैं कॉकरोच के शरीर के दूसरे भाग का, जिसे कि हम कहते हैं वक्ष। वक्ष भाग जो होता है वो तीन खंडों द्वारा निर्मित होता है। सबसे पहला खंड होता है प्रोथोरेक्स, दूसरा मेसोथोरेक्स और तीसरा मेटाथोरेक्स। अगर हम बात करते हैं, ये तीनों जो भाग होते हैं, ये तीनों अलग छोटे छोटे प्लेट्स के रूप में होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा भाग जो होता है वो प्रोथोरेक्स या अग्रवक्ष का होता है। सिर भाग जो होता है अग्र वक्ष के एक छोटे प्रवर्त के द्वारा शरीर के पिछले भाग से जुड़ा हुआ होता है। अगर हम बात करते हैं कि इस थोरेक्स के या वक्ष के तीनों भागों में कुछ संदित उपांग पाए जाते हैं, और उन संदित उपांगों में तीन जोड़ी पैर तथा दो जोड़ी पंख उपस्थित होते हैं। अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि प्रत्येक खंड में एक जोड़ी पैर उपस्थित होते हैं या संदित उपांग उपस्थित होते हैं। प्रोथोरेक्स में एक जोड़ी, मेसोथोरेक्स में एक जोड़ी और मेटाथोरेक्स में एक एक जोड़ी पैर उपस्थित होते हैं। और जहाँ तक पंखों की बात करते हैं तो पंख केवल एक जोड़ी मेसोथोरेक्स और एक जोड़ी मेटाथोरेक्स में पाए जाते हैं। प्रोथोरेक्स में पंख सदैव अनुपस्थित होते हैं। मेसोथोरेक्स में पाए जाने वाले पंखों को हम फॉरविंग्स या अग्रपंख कहते हैं। अग्रपंख जो होते हैं ये मोटे चर्मिल गहरे रंग के उपस्थित होते हैं तथा ये उड़ने में सहायक नहीं होते, जबकि मेटाथोरेक्स में पाए जाने वाले जो पंख होते हैं इन्हें हम पश्चपंख या हाइंडविंग कहते हैं। ये पतले झिल्लीनुमा और पारदर्शी होते हैं जो कि उड़ने में सहायता करते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो कॉकरोच उड़ता नहीं है,
सामान्य परिस्थिति में कॉकरोच उड़ता नहीं है, केवल आपातकालीन परिस्थिति में या जब उसे किसी प्रकार के खतरे का अनुभव होता है तब वो केवल छोटी उड़ान भरने का कार्य करता है। सामान्य परिस्थिति में ये तीन जोड़ी पैरों के द्वारा तेजी से दौड़ने का कार्य करता है। तीसरे भाग की अगर अपन बात करें, तीसरा भाग होता है इसका एब्डोमेन या उदर। कॉकरोच के उदर भाग जो होता है वो 10 खंडों के द्वारा निर्मित होता है, चाहे नर हो चाहे मादा हो। अगर हम नर और मादा के ऊपरी भाग को देखते हैं तो उसमें 10 टर्गम दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम फीमेल में मादा में स्टर्नम की स्थिति देखते हैं तो मादा का 7वां स्टर्नम 8वें व 9वें स्टर्नम के साथ जुड़ करके जननी कक्ष का निर्माण करके बोट शेप्ड या नौकाकार संरचना का निर्माण कर लेता है, जो कि जनन तंत्र का एक विशेष भाग होता है। हाँ बेटा, अब हम बात करते हैं कॉकरोच के पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो हमें जैसे हमें पता है कि कॉकरोच जो होता है एक सर्वाहारी प्राणी होता है, जो कि सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को, चाहे वो जंतु से संबंधित हो चाहे वनस्पति से संबंधित हो, उन सभी को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसी के साथ ये चमड़े, कपड़े, कागज आदि सभी पदार्थों को भी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है, इसलिए ये इसे हम सर्वोच्च सर्वाहारी प्राणी भी कहते हैं। अगर हम इसकी आहार नाल की बात करते हैं तो इसमें इसकी आहार नाल मुख से शुरू होकर के गुदा पर खत्म होती है। इसकी आहार नाल तीन भागों में बटी हुई होती है, फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट। और इसी की नहीं, जितने सभी प्राणी होते हैं सभी प्राणियों की आहार नाल को तीन भागों में बांटा गया है और इनकी उत्पत्ति भी अलग अलग होती है। जैसे हम बात करते हैं कि फॉरगट या अग्रांत जिसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म के द्वारा होती है, जबकि मिडगट की उत्पत्ति एंडोडर्म तथा हाइंडगट की उत्पत्ति पुनः एक्टोडर्म के द्वारा होती है। अतः संपूर्ण आहार नाल की उत्पत्ति को हम एक्टो एंडोडर्मल कह सकते हैं। अगर हमें अलग अलग पूछा जाए तो अलग अलग ही एक्टोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, इस तरह से इसकी उत्पत्ति होती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि संपूर्ण आहार नाल की उत्पत्ति कैसे होती है, उस परिस्थिति में हमें ये बताना पड़ेगा कि आहार नाल की उत्पत्ति एक्टो एंडोडर्मल होती है। अगर हम बात करते हैं इसके फॉरगट या अग्रांत में कौन कौन से भाग सम्मिलित किए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि मुख, रसनी, ग्रसिका, क्रॉप, अन्नपुट, गीजर, पेशनी, यहाँ तक का जो भाग होता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, माउथ से लेकर के और पेशनी तक का जो भाग होता है इसको अग्रांत्र में सम्मिलित किया गया है। अग्रांत्र की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला भाग होता है मुख। इसका गोल मुख मुखांगों के द्वारा घिरा हुआ होता है। मुख आगे की ओर एक छोटी ग्रसनी में खुलता है, जो कि आगे चल के इसको ईसोफेगस या ग्रसिका में खुलती है। ग्रसिका का अग्र भाग फूल करके गोलाकार या थैलेनुमा संरचना का निर्माण कर लेता है और इस थैलेनुमा संरचना को हम कहते हैं क्रॉप या अन्नपुट। और ये जो क्रॉप या अन्नपुट होती है ये स्तनधारियों के आमाशय के समान कार्य करती है, अर्थात इसमें भोजन को संग्रह किया जाता है। दूसरा भाग होता है मिडगट, मध्यांत्र। मध्यांत्र जो होता है एक लंबी नलिका के रूप में पाया जाता है। अगर हम बात करें अग्रांत्र और मध्यांत्र के संधि स्थल पर किस प्रकार से हम इसको विभेदित कर सकते हैं कि कौन सा भाग अग्रांत्र में आता है कौन सा भाग मध्यांत्र में आता है, तो यहाँ हमें एक संरचना दिखाई दे रही है जिसको अपन कहते हैं यकृतीय अंधनाल, हिपेटिक सीका। हिपेटिक सीका इस प्रकार की संरचनाएं होती है, नलिकाकार संरचनाएं होती है, जो कि फॉरगट और मिडगट के संधि स्थल पर पाई जाती हैं और इन नलिकाओं के द्वारा पाचक एंजाइमों का स्राव किया जाता है। अगर हम बात करें पेशनी की, पेशनी एक कठोर छोटी संरचना होती है जो आंतरिक रूप से छोटे छोटे दांतों द्वारा निर्मित होती है। ये दांत 6 होते हैं तथा इनकी उत्पत्ति क्यूटिकल के द्वारा होता है। इसका मतलब कि पेशनी में क्यूटिकल द्वारा निर्मित 6 दांत पाए जाते हैं जिनके द्वारा भोजन को पीसा जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्राणी होता है जिसके पेट में दांत होते हैं।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसका मतलब आगे है मध्यांतर। मध्यांतर जो होती है कि लंबी नलिका के रूप में पाई जाती है। तीसरा भाग होता है इसका, तीसरा भाग है हाइंड या पश्चात्र। पश्चात्र की बात करें तो पश्चात्र स्वयं तीन भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। पहला इलियम, कॉलोन और रेक्टम, तीन भाग पाए जाते हैं। और मध्यांतर और पश्चात्र इसका मतलब मिडगट और हाइंडगट के संधि स्थल पर 100 से 150 पीले रंग की लंबी नलिकाएं पाई जाती है। इन नलिकाओं को मैल्पीजियन नलिकाएं कहते हैं और इनका संबंध उत्सर्जन तंत्र से होता है। अगर हम बात करते हैं आगे मिडगट जो भाग होता है, ये मिडगट जो भाग जो होता है ये इसके ये पतला होता है तथा हाइंडगट ये चौड़ा भाग, पूरी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है जिसमें कि इलियम, कॉलोन और रेक्टम, जहां पर रेक्टम में अपचित भोज्य पदार्थों को इकट्ठा किया जाता है तथा इन अपचित भोज्य पदार्थों को गुदा के द्वारा शरीर से बाहर की ओर निष्कासित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कॉकरोच में एक जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिनके द्वारा लार का स्राव किया जाता है। लार, ये जो लार स्रावित होती है, यह लार सीधे आहार नाल में ना जाकर के इस लार को लार संग्राहकों में एकत्रित कर लिया जाता है। जब भोजन ग्रहण किया जाता है, भोजन ग्रहण करने के दौरान इसे मुख में डाला जाता है जिससे भोजन को लसलसा बना दिया जाता है। हाँ बेटा, अब अपन बात कर रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो रक्त परिसंचरण तंत्र सभी प्राणियों में पाया जाता है लगभग, और ये दो प्रकार का होता है, बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र। कॉकरोच में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब ये डिफरेंस क्या होता है, क्या अंतर होता है खुले और बंद परिसंचरण तंत्र में? बंद परिसंचरण तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, जबकि खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिनियां अनुपस्थित होती हैं या अल्प विकसित होती हैं। कॉकरोच में रक्त वाहिनियां अल्प विकसित होती हैं तथा ये जिस गुहा में खुलती है उस गुहा को कहते हैं हीमोसील। इसका मतलब कि कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब हम इसके अगर परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो इसमें दो भाग पाए जाते हैं। नंबर एक, पहला रक्त और हृदय। अगर हम बात करते हैं रक्त की, कॉकरोच का रक्त रंगहीन होता है तथा इसका रक्त हीमोलिम्फ कहलाता है। इसमें किसी भी प्रकार का श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है, अतः यह श्वसन तंत्र में भाग नहीं लेता, अर्थात इसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान की प्रक्रिया नहीं होती है। तो अगर अपन रक्त की बात करते हैं तो इसका रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं या ब्लड सेल्स के द्वारा निर्मित होता है और इसमें RBC अनुपस्थित होती है, केवल WBC पाई जाती है और इसमें पाए जाने वाले WBC को हम हीमोसाइट्स कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके हृदय की, तो कॉकरोच का जो हृदय होता है वो नलिकाकार होता है तथा इसमें लगभग 11 से 13 खंड पाए जाते हैं या सेगमेंट पाए जाते हैं, मतलब 13 खंडों द्वारा निर्मित 13 चैम्बर हार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कॉकरोच का हृदय न्यूरोजेनिक, इसका मतलब तंत्रिका जन्य होता है। एक विशेष प्रकार का हृदय जिसे हम मायोजेनिक या पेशीजन्य कहते हैं, वो सभी प्रकार के स्तनधारियों में पाया जाता है। अब इन दोनों हृदय में अंतर क्या होता है, मायोजेनिक हृदय और न्यूरोजेनिक हृदय में अंतर क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि जितने भी स्तनधारी हैं उन सभी में मायोजेनिक हृदय पाया जाता है और मायोजेनिक हृदय का नियंत्रण, मायोजेनिक हृदय के संकुचन और शिथिलन का जो नियंत्रण होता है उसमें पाए जाने वाले विशेष प्रकार के नोडल ऊतकों के द्वारा किया जाता है। अर्थात हृदय के संकुचन और शिथिलन में तंत्रिका तंत्र का कोई योगदान नहीं होता। जबकि हम बात करते हैं इसकी
कॉकरोच में पाए जाने वाले हृदय की, तो कॉकरोच में जो हृदय पाया जाता है वो न्यूरोजेनिक प्रकार का होता है, अर्थात ऐसा हृदय जिसका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। उसका मतलब कि जिसमें सिस्टोल और डायस्टोल मतलब संकुचन और शीतलन की जो प्रक्रिया होती है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है, ऐसे हृदय को हम कहते हैं न्यूरोजेनिक हृदय। अगर हम बात करते हैं इसके हृदय की, तो इसमें 13 कक्षीय हृदय पाया जाता है और प्रत्येक कक्ष के पार्श्व में, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, प्रत्येक कक्ष के पार्श्व में एक जोड़ी छिद्र पाया जाता है और इस एक जोड़ी छिद्र को हम कहते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया वो छिद्र होते हैं जिसके द्वारा हीमोलिम्फ हृदय में प्रवेश करता है। इसके अतिरिक्त इसके सबसे ऊपरी भाग में, सबसे ऊपरी जो कक्ष होता है वो सबसे बड़ा और लंबा होता है। इसके ऊपरी भाग में जो भाग होता है उसको हम कहते हैं आओटा या महाधमनी, और महाधमनी के ऊपर एक रंध्र पाया जाता है जिसके द्वारा हीमोलिम्फ हृदय से बाहर की ओर निकलता है। हम बात करते हैं कि इसके प्रत्येक कक्ष के साथ विशेष प्रकार की एलवी पेशियां पाई जाती है जिनके द्वारा हृदय के संकुचन और शिथिलन को नियंत्रित किया जाता है। सर्वप्रथम तंत्रिका तंत्र से आवेग प्राप्त होते हैं एलरी पेशियों को। एलरी पेशियों में जब संकुचन होता है, ध्यान देने की बात है, एलरी पेशियों में जब संकुचन होता है तो हृदय में शिथिलन होता है, कि एलरी पेशियों के संकुचन से हृदय में शिथिलन होता है। मतलब अब जैसे ही शिथिलन होगा इसके ऑस्टिया खुल जाएंगे, जैसे ही ऑस्टिया खुलेंगे तो इस जो हीमोसील है, इस हीमोसील में जो हीमोलिम्फ भरा हुआ है वो इस ऑस्टिया के द्वारा हृदय में प्रवेश कर जाता है। और जैसे जैसे ही एलरी पेशियों में शिथिलन होता है, जैसे ही एलरी पेशियों में शिथिलन होगा तो हृदय में संकुचन होगा। ध्यान देने की चीज है यहाँ पे, ये प्रक्रिया विपरीत होती है कि जब एलरी पेशियों में संकुचन होता है तो हृदय में शिथिलन होता है, और जब एलरी पेशियों में शिथिलन होता है तो हृदय में संकुचन होता है। अब जैसे ही हृदय में संकुचन होता है ऑस्टिया बंद हो जाते हैं तथा एओर्टा का छिद्र, महाधमनी का छिद्र खुल जाता है, जिससे हीमोलिम्फ जो है वो एक फव्वारे के रूप में हीमोसील में पुनः वापस आ जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें एलरी पेशियां जो होती है वो, इनका मुख्य कार्य है कि ये तंत्रिका तंत्र से प्राप्त आवेगों को ग्रहण करती है जिससे इनमें संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया संपन्न होती है।